ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करेंगे प्रशासनिक क्षेत्र में अपना कौशल दिखाने वाले ब्यूरोक्रेट्स अब खेल के मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से खेली जा रही सीएस चैलेंजर कप लॉन टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता में कई वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर हिस्सा ले रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में जुटे रहने वाले अफसर नए रंग में दिख रहे हैं। किसी के हाथ में टेनिस का रैकेट तो कोई शटल के साथ कोर्ट पर हुनर दिखा रहा है। सीनियर हो या जूनियर, महिला हो या पुरुष, कोई पीछे नहीं है। ये नजारा कहीं और नहीं बल्कि जयपुर में हो रहे सीएस चैलेंजर कप टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता का है। चाहे वरिष्ठ आईएएस नवीन महाजन हो या फिर कुंजीलाल मीना, रवि जैन हो या केसी मीना, सभी खेल के मैदान में श्रेष्ठता सिद्ध करने में जुटे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और कहा कि व्यक्ति चाहे कहीं भी रहे और कैसे भी रहे, उसे अपने अंदर की प्रतिभा को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने प्रतिभागी अधिकारियों कर्मचारियों को अनुशासन, नियम और अच्छी भावना के साथ खेलने और खेल नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी सभी साथियों को अपने रोजमर्रा की नौकरी के साथ साथ अपने जीवन के जो व्यक्तित्व को निखार करने के लिए जो बहुआयामी आयाम होते हैं उनमें मैं सोचता हूँ खेल एक बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने देखा अब भी होगा कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी जो अधिकारी खिलाड़ी हैं बड़ा अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये एक प्रयास है कि किस तरह से सभी अधिकारी साथियों को अपने इस नौकरी के साथ साथ अपने उस टैलेंट और अपनी उस विधा को जीवित रखने का मौका मिले। और मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य के सारे अधिकारीगण इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपना नाम रोशन करेंगे। जयपुर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभालने वाले कलेक्टर जगरूप यादव ने भी अपनी फिटनेस का राज शेयर किया। उन्होंने बताया कि अब भी वे रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ते हैं और यही कारण है कि अपने सेवा काल में कभी भी उन्होंने मेडिकल बिल नहीं उठाया। मजाकी अंदाज में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तरह से वित्त विभाग की मदद ही की है। मैंने कभी एक रुपए का भी मेडिकल बिल पूरे सेवा काल में नहीं उठाया, मैंने या मेरे परिवार के। थोड़ा बहुत फिटनेस पे ध्यान देते हैं स्वास्थ्य कर आदतें हों और थोड़ा मेहनत मशक्कत, थोड़ा बहुत घूमने फिरने दौड़ने लगाने की प्रवृत्ति शुरू से ही रही है। तो उसके हिसाब से थोड़ी एक्सरसाइज करने की वजह से मैं समझता हूँ कि मैं 10 किलोमीटर सारी ज़िंदगी दौड़ता रहा हूँ। और पहले तो 21 किलोमीटर दौड़ता था लेकिन 10 किलोमीटर तो मैं अभी भी दौड़ सकता हूँ कभी भी। इस वर्ष लॉन टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, सचिवालय सेवा, चिकित्सा सेवा, पीएसडी सेवा, राज्य बीमा सेवा, कॉलेज शिक्षा सेवा, लेखा सेवा, वाणिज्यिक कर की कुल 20 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें 86 प्रतिभागी शामिल होंगे। बैडमिंटन प्रतियोगिता में 13 टीमों के अंतर्गत 26 महिला प्रतिभागी, 177 पुरुष प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें बेसिकली स्टेट के हमारे जितने अधिकारी और कर्मचारी जो टेनिस और बैडमिंटन में इंटरेस्टेड हैं या जो खेलते हैं, ये बेसिकली उनके लिए है ये टूर्नामेंट। और इस तरह के आई थिंक 12 टूर्नामेंट्स के करीब हमारे इसमें ऑर्गेनाइज, सीएस कप के नाम से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, 12 या 25, आई मे बी रॉन्ग, बट ये पूरे साल ये चलता रहता है निरंतर। और एक ये बहुत अच्छी, आई वुड से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे कि अधिकारी और कर्मचारी अपने ऑफिस से बाहर निकल के किसी और इंटरेस्ट में अपना वो समय व्यतीत करते हैं, जिससे उनका उत्साह बना रहता है। और एक खेलकूद तो अपने आप में एक बहुत अहम चीज़ है। इन प्रतियोगिताओं से न केवल प्रशासनिक अधिकारियों को खुद फिट रहने का मौका मिलता है बल्कि एक दूसरे के साथ टीम के रूप में काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।